नमस्कार, मैं संकेत। स्पीड न्यूज लाइव 24 के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें कुछ देर बाद। इथं आपल्या पाल्याचा कल कळेल, त्याची करिअर विषयी निवड ठरेल, त्यासाठी त्याला तज्ञांचे योग्य मार्गदर्शन मिळेल, स्पर्धेसाठी आत्मविश्वास आणि परीक्षेची परिपूर्ण तयारी, पोषक आहार, चांगले संस्कार, शालेय शिक्षण, खेळाचे आणि कलेचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा कोल्हापूर। फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं। पंजाब के खिलाफ मैच से पहले ही दिल्ली को बड़ा झटका, चोटिल हुए ईशांत शर्मा। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के अपने पहले लीग मैच से पहले श्रेयस अय्यर की टीम दिल्ली कैपिटल्स टीम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के सीनियर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। YSR संसद ने राज्यसभा में लहराया कांग्रेस का घोषणा पत्र, कह पाखंडी है हमारी पार्टी। राज्यसभा में रविवार को किसानों से जुड़े 3 विधेयकों को पेश किया गया। इन बिलों को लेकर विपक्ष और किसान संगठन लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वहीं जब इन विधेयकों को संसद के ऊपरी सदन में पेश किया गया तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इसका विरोध किया। शिक्षक भर्ती को लेकर एक्शन में सीएम योगी, एक सप्ताह के भीतर खुद बांटेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार एक्शन में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत खुद करेंगे। जिलों में अभ्यर्थियों को बुलाकर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी। वाहन चेकिंग के दौरान सड़क हादसे में युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने थाना परिसर में काटा बवाल। गया जिले में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने बाराचट्टी थाना में घुसकर पुलिस कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संबंधी स्थिति की समीक्षा के लिए संभवत। अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि 23 सितंबर को बैठक होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। दिवंगत बॉलीवुड सुशांत मामले में पूछताछ का नया चरण शुरू करने के लिए सीबीआई की टीम फिर से जाएगी मुंबई। इसके साथ ही एम्स की फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते सप्ताह सीबीआई को सौंपेगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई इस मामले में 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर काम कर रही है। अब जब सीबीआई इस मामले में पूछताछ का नया चरण शुरू करने के लिए फिर से मुंबई जा रही है। लद्दाख में तनातनी के बीच भारत चीन संबंधों के कड़वाहट का सीधा असर, चीन की कंपनियों द्वारा भारत में किए जाने वाले प्रत्यक्ष। भारत चीन सीमावाद अब विदेशी निवेश FDI पर पड़ रहा है। पिछले 3 साल में इस संबंध में गिरावट उल्लेखनीय है। भारतीय कंपनियां भी अब चीन की कंपनियों में निवेश से दूरी बनाने लगी हैं। यह खुलासा हाल ही में FDI आगमन के आंकड़ों से हुआ है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में रविवार सुबह बिजली चमकने के साथ भयानक तूफानी। IMD के मुताबिक तूफानी हवाओं और बिजली चमकने का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के गंगा तटीय इलाकों, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायल सीमा व तटीय क्षेत्र और यनम में रहेगा। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों से भारी बारिश के आसार हैं, जिसका असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तटीय इलाकों में होगा। पश्चिमी बंगाल के हिमालय इलाके व उत्तर पूर्वी राज्यों में 21 से 23 सितम्बर से बीच दिखाई देगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर डीजल की कीमती में की गई कटौती। आज डीजल के दामों में 22 से 25 पैसे तक की कमी आई। हालांकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए की कटौती की थी। दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए प्रति लीटर हो गया था।
महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में जीत से आगाज किया, लेकिन इस करिश्माई कप्तान ने कहा कि उनकी टीम को अभी कुछ विभागों में सुधार करने की जरूरत है। धोनी ने चेन्नई के अपने चीर प्रतिद्वंदी और पिछले साल के चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत के बाद कहा कि काफी सकारात्मक पक्ष रहे, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, विशेषकर टाइमिंग को लेकर। बाद में खेलते हुए ओस पड़ने तक थोड़ा मूवमेंट रहता है, ऐसे में अगर आपके पास विकेट बचे हो तो आप फायदे में रहते हो। तो आज की ताजा खबरें यही समाप्त हुए, कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। शुक्रिया। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? प्लीज एक बार जरा पूछे ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज, आप बताइए कहाँ मिलेंगे डॉक्टर। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल, आपका इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा।